वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल हरी सखानी 541 में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है मैथ्स का वो है एवरेज अर्थात औसत। औसत जो होता है किसी भी बहुत सारी संख्याओं का मध्यमान होता है, यानी जो मिड की ओर, मध्य की ओर जो कोई भी चीजें जो बताएगा वो औसत कहलाता है, एवरेज कहलाता है। तो एवरेज जो होता है ये चैप्टर चाहे सैनिक स्कूल हो, राजीव नवोदय हो या जवाहर नवोदय हो, तो वहां जो है पूछा जाता है कंपटीशन में। तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर से एवरेज। तो पहले एवरेज का हम फॉर्मूला जानेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे टाइप के, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो औसत बराबर होता है दी हुई संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या, या इसे ऐसा भी कह सकते हैं दी गई कुल राशियां अपॉन कुल राशियां। तो औसत जो होता है एवरेज, वो किसी संख्याओं के जो बहुत सारे समूह होता है उनका लगभग जो है मध्यमान जो है बताता है, बीच का औसत बताता है एवरेज। तो दी हुई संख्या, तो ये जो संख्याएं दी हुई होंगी उनका योग, योग मतलब होता है सम अर्थात जोड़ना, और अपॉन कुल संख्या, तो अगर जितनी संख्याएं दी हैं उनको जोड़ के और टोटल नंबर से अगर डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन है 5, 3, 7, 2, 1, 8, 9 का औसत बताना है। हमें ये नंबर दिया है, इन नंबर का हमें एवरेज फाइंड करना है। तो मैंने क्या कहा था, जो भी नंबर दिए होती हैं, जो भी राशियां दी होती हैं, इन औसत क्या होता है दी गई संख्याओं का योग। तो एवरेज जो होगा, एवरेज अर्थात औसत जो होता है इन राशियों का जो है सम कर देते हैं, जो नंबर दिए होते हैं उनको सम कर देते हैं। क्या क्या नंबर दिए हैं, 5+3+7+2+1+8+9। तो क्या किया मैंने, जो नंबर दिए थे इनको सबको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। ये है अपॉन, अपॉन का मतलब होता है भाग देना, और टोटल नंबर गिनेंगे कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल नंबर जो ये है 7। क्या किया, अगर सिंपल भाषा में समझते हैं एवरेज को, तो जो नंबर दिए होंगे उन नंबर को आप जोड़ देंगे अपॉन जितने वो नंबर होंगे उनको उससे डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 5 में 3, 8, 8 में 7, 15, 15 में 2, 17, 17 में 1 ऐड करेंगे तो 18, 18 में 8 ऐड करेंगे तो 26, 26 में जो है 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 35। और नीचे है अपॉन, और नीचे कितने नंबर है टोटल नंबर, वो है 7। तो आपने इन नंबरों को ऐड किया, अब आगे पीछे कैसे भी इनको ऐड कर सकते हैं, जैसे 9 और 1 18, 18 2 20, 20 और 7 7 27, 27 और 3 30, 30 और 5 35। तो आपने ऊपर वाले नंबरों को जोड़ना है और जितने टोटल नंबर है 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन नंबर से भाग दे देना है। अब ये 7 का पहाड़ा कहना है, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड करना अर्थात भाग देना। तो 7 से 35 को देंगे तो 7, 5 जा 35। तो इनका जो एवरेज आया, एवरेज जो आंसर आ गया वो आ गया 5। इस 5 का मतलब है कि इन जो जितने भी लगभग 5, 3, 7, 2, 1, 8 है, इनका जो एवरेज आया वो 5 आया, इनका बीच का जो लगभग मोटा मोटा जो मान है वो है 5। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एवरेज ऑफ 4, 6, 7, 4, 5, 1, 3, 2। तो ये नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों का हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज का ये फॉर्मूला था, सभी संख्याओं को जोड़ देना है, यानी जितनी भी राशियां हैं उन सबका सम कर देना है अपॉन टोटल नंबर लिख देना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद करना है। क्या करना है, फॉर्मूला का सिंपल भाषा में, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जितनी भी नंबर होंगे उन सबको जोड़ देंगे अपॉन टोटल नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये जैसे नंबर दिए हैं तो इसका एवरेज फाइंड करने के लिए, एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन सभी नंबरों को जोड़ देंगे। तो ये 4+6+7+4+5+1+3+2, तो सभी नंबरों को लिख देंगे, 4, 6, 7, 4, 5, 1, 3, 2 इन सभी नंबरों को लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, इनको प्लस प्लस कर देंगे अर्थात जोड़ देंगे, अपॉन लगाएंगे, अपॉन मतलब होता है डिवाइड। अब अपॉन टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल नंबर 8 है, तो इसको अपॉन 8 लिख देंगे। क्या किया, ऊपर वाले नंबरों को जोड़ दिया अपॉन टोटल नंबर काउंट किए उसको लिख दिया। तो ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इनको जो है हम जोड़ देंगे, 4 में 6 से जोड़ा 10,
10 में 7 जोड़ा 17, 17 में 4 जोड़ा 21, 21 में 5 जोड़ा 26, 26 में 1 जोड़ा 27, 27 में 3 जोड़ा 30, 30 में 2 जोड़ा 32। तो ऊपर वाले सभी नंबर को आप ऐसे भी जोड़ सकते हो 32, और नीचे 8 है। अब 8 का टेबल कहेंगे, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, 8 का टेबल कहेंगे तो 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24, 8 फोर जा 32। तो इस प्रकार इन सभी नंबरों का जो एवरेज आया वो आया 4। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। होप आपको जो है वीडियो अगर पसंद आ रही है तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। निम्नलिखित सेट के परिणामों का औसत कितना है? तो ये जो है सेट दिए हैं, इन सेटों के परिणामों का औसत बताना है कि औसत क्या होगा। तो इस प्रकार के जेएनबी में या सैनिक में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें ये नंबर दिए हैं, इन नंबरों का हमें औसत निकालना है। तो औसत जो होता है वो होता है जितने नंबर होते हैं सभी संख्याओं का सम अपॉन टोटल नंबर। तो हम क्या क्या नंबर दिए हैं, 56 प्लस 44 प्लस 23 प्लस 90 प्लस 37, इन नंबरों को ऐड कर देंगे अपॉन टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो आप जब इसको सम करेंगे तो ये आप अलग से ऐड भी कर सकते हैं, 56 प्लस 44 तो ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। 6 में 4 जोड़ 10, 5 और 9 10, 100 में 23 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 123, फिर उसमें 90 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 213, फिर इसमें आप जो है 37 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 7 और 3 10, 1 करी और 5 250। तो ये इनको ऐड करने के बाद आप आराम से ऐड करेंगे तो ये आ गया 250 अपॉन नीचे है 5। अब 5 से 250 कट जाएगा 51। तो इसका जो एवरेज आया सेट का परिणाम का एवरेज आया वो आया 50, अर्थात 50 इन जितनी भी संख्याएं दी हैं इनका लगभग मध्य है, मिड मान है 50। मोटा मोटा इसका जो एवरेज आएगा वो आएगा 50। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो स्टार्टिंग की 5 इवन नंबर लेने हैं और उनका एवरेज फाइंड करना है, 5 इवन नंबर। अभी जो सम संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं? सम संख्याएं वे होती हैं जिनमें 2 का भाग जाता है, अर्थात या जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं। किसी भी नंबर के अगर अंत में 0, 2, 4, 6, 8 या जिस जिनमें 2 का पहाड़ा जाता है ऐसे नंबरों को इवन नंबर कहते हैं। लेकिन हमें स्टार्टिंग के 5 लेने हैं और उनका एवरेज निकालना है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। तो जो है हम दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो पहले 5 जो इवन नंबर होंगे स्टार्टिंग के 5 इवन नंबर सम संख्याएं जो होंगी वो होंगी 2, 4, 6, 8, 10, 5 होगी 1, 2, 3, 4, 5। 0 नहीं होगा, 0 इवन भी नहीं है ना ही ऑड नंबर है। तो 5 0 किसी के लास्ट में होता है तब उसको इवन बनाता है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो 0 जो है इवन नंबर नहीं होता है ना ही ऑड नंबर होता है। तो 5 इवन जो है नंबर स्टार्टिंग के वो है 2, 4, 6, 8, 10। अब ये पुराना क्वेश्चन बन गया 2, 4, 6, 8, 10 का एवरेज निकालो। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सभी नंबरों को ऐड कर देते हो। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला, औसत का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर, यानी इन सभी नंबरों को जोड़ दो, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, इन सभी नंबरों को जोड़ देंगे अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं, यहां पर साफ लिखा है 5, गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। क्या किया, पहले 5 इवन नंबर लिखे स्टार्टिंग से और उनको मैंने जोड़ा अपॉन टोटल नंबर कर दिया। इनको जोड़ेंगे, 2 में जोड़ा 4, 6, 6 में 6 जोड़ा 12, 12 में 8 जोड़ा 20, 20 में 10 जोड़ा 30, तो 30 अपॉन 5। तो इससे इसको काट देंगे तो याद आएगा 6। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना होता है, 6। ऐसी वो पूछ सकता है प्रथम 5 विषम संख्याओं का, तो विषम हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, इनको जोड़ेंगे अपॉन टोटल 5 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। 3 के प्रथम 5 गुणज, गुणज मतलब होता है मल्टीपल अर्थात पहाड़ा। 3 के पहाड़े लेने हैं 5 तक और उन सब का औसत निकालना है। तो पहले 3 के जो 5 गुणज होते हैं, 3 के जो 5 गुणज हैं पहले उनका निकालेंगे क्या क्या होते हैं। तो 3 के जो 5 गुणज होते हैं, 3 के 5 मल्टीपल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ये 3 के 5 गुणज स्टार्टिंग के ये होते हैं, 3 6 9 12 15। अब हमें इनका क्या निकालना है, औसत। तो औसत एवरेज जो होता है, औसत बराबर होता है दी गई संख्याओं का योग, जितनी राशियां या संख्याएं दी होती हैं उनका योग कर दीजिए, योग मतलब जोड़ देते हैं।
तो औसत बराबर 3 + 6 + 9 + 12 + 15। हमने क्या किया, ये जो नंबर दिए थे इनको जोड़ दिया अपॉन टोटल नंबर, 1 2 3 4 5, यहाँ 5। अब जैसे इनको जोड़ेंगे, 3 में 6 जोड़ा 9, 9 में 9 जोड़ा 18, 18 में 12 जोड़ा 30, 30 में 15 जोड़ा 45, और 45 को अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 9 = 45। तो इस प्रकार 3 के जो प्रथम 5 गुणज थे उनका औसत आ गया 9। क्वेश्चन को देखते हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 13, 0, 19, 17 और 6 रन बनाता है, तो उसके रनों का मध्यमान अर्थात औसत बताओ। तो एक कोई क्रिकेट प्लेयर है जैसे विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर या रोहित शर्मा, तो वो क्रिकेट खेलता है, तो पहले मैच में उसने 13 रन बनाए, दूसरे मैच में वो 0 रन में आउट हो गया, तीसरे में 19 बनाए, चौथे में 17 बनाए और पांचवें में 6 रन बनाकर जो है वो उसने बनाए। तो उसके रनों का औसत निकालना है, मध्यमान निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हम जानते हैं औसत जो होता है दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या है, यानी सिंपल भाषा में कहें तो जितने नंबर दिए होंगे उनको जोड़ दो अपॉन टोटल नंबर से उसको भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। तो औसत निकालना है हमें, मध्यमान निकालना है, मध्यमान को ही जो है औसत कहते हैं। तो उसने जो रन बनाए, एक रन बनाया 13, दूसरे मैच में 0, तीसरे में 19, 17 और 6। तो आप क्या करेंगे, इन नंबरों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले जो जो नंबर दिए होते हैं उनको जोड़ देते हैं अपॉन टोटल नंबर, कितने मैच खेले उसने, 1 2 3 4 5, 5 मैच खेले उसने, तो अपॉन 5। तो अब आप क्या करेंगे, 13 में 17 को जोड़ देंगे, किसी को भी किसी के साथ जोड़ देंगे, तो 13 में अगर जो है 17 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30, 30 में 19 को जोड़ देंगे, ये 30 में 19 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 49, 49 में 6 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 55। तो इन सब को जोड़ने के बाद आ गया 55 और नीचे है 5, तो 5 से 55 को करेंगे तो 11, तो इनका जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा 11। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।